नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विनय विवादिया। जैसे ही पहले चरण के मतदान का नाम आता है तो सबके जहन में बस एक ही बात आती है कि कौन चुनाव जीत रहा है। पहले चरण के एग्जिट पोल आपके सामने लेकर आया हूं मैं। और ख़ास बात यह है, जो ये गोदी मीडिया, जो ये किसी पार्टी की मीडिया, जो किसी एक पार्टी विशेष की मीडिया सर्वे दिखा रही है, इसके ठीक उलट और सटीक सर्वे आपके सामने उपलब्ध है। और अब बात करें, जो 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, इस 8 लोकसभा सीट में सबसे प्रमुख जो सीट है वो नगीना की लोकसभा सीट है, जहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार, खास बात यह है, चंद्रशेखर रावण इस समय नगीना लोकसभा सीट से वाकई में आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर खास बात यह है कि मनोज कुमार हैं, जो समाजवादी पार्टी के वो हैं। यानी कि अगर समाजवादी पार्टी से चंद्रशेखर रावण को टिकट मिलता तो उनकी जीत सुनिश्चित थी। दूसरी सीट पर अगर बात की जाए इस समय बिजनौर की सीट पर भी समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा आगे दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए पीलीभीत की सीट बहुत फंसी फसाई सीट है, जहाँ से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एकदम कटे के टक्कर दे रहे हैं। तीनों जो है मुकाबला त्रिकोणी हो गया है पीलीभीत में, खास करके वरुण गांधी के जाने के बाद। और तमाम जो खबरें हैं ये आ रही हैं कि वरुण गांधी आंतरिक रूप से समाजवादी पार्टी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं निचले स्तर पर, वो जमीनी स्तर पर, जहाँ समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए पहले चरण में सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पीछे है। यहाँ पर खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। अगर बात की जाए कैराना लोकसभा सीट से, तो कैराना लोकसभा सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देने के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की कांटे की टक्कर है। मुजफ्फरनगर एक बहुत बड़ी सीट है, संजीव बालियान जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। कुल मिलाकर जो 8 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 में है जहां आगे चल रही है, और 5 लोकसभा सीट ऐसी है जहां समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। 1 लोकसभा सीट जहां बहुजन समाजवादी पार्टी थोड़ा सा आगे दिखाई दे रही है। हालांकि ये आंतरिक सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये गोदी मीडिया, ये जो तमाम मीडिया है, इनकी बातों को आप ध्यान मत दीजिए। आप समझिए कि इस बार चुनाव का समीकरण बदल गया है। इस बार बीजेपी की कोई लहर नहीं है, मोदी की कोई लहर नहीं है, इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। आंतरिक सर्वे और ग्राउंड जीरो की पल पल की सच्चाई के साथ खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खास बात यह है कि लगातार हर वीडियो बड़े मीडिया चैनल पर यह दिखाया जा रहा है कि 8 में से 5 या 6 लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, तो इसका ठीक उलट है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 से 3 सीटें पर आगे है, और उसमें भी अगर आज चुनाव का जिस समय हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी इस समय बसपा की जो उनकी पार्टी है, इसके कुछ उम्मीदवार 2-3 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। बाकी जो सर्वे है उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी तक 4 से 5 सीटों पर कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी एक तरफा अंदाज में जीत रही है, लेकिन जैसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान होता है, तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा राजनीतिक समीकरण गड़बड़ हो जाता है। एक समय तो ऐसा लग रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बोलबाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट के बाद जब बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में आक्रामक अंदाज में आती है, तो उसके बाद पूरा समीकरण डामाडोल हो जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो।